ओबद्या, इसमें हम देखेंगे अहंकार और उसके परिणाम, एदोम का न्याय, इज़राइल का पुनःस्थापन। ओबद्या की पुस्तक एक बहुत ही छोटी पुस्तक है जिसमें सिर्फ एक ही अध्याय है। ओबद्या ने इतनी छोटी पुस्तक क्यों लिखी? इसका प्राथमिक कारण तो यही है कि परमेश्वर ने ही उसे इतना कम लिखने के लिए दिया। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ओबद्या उसकी आत्मा में इतना संवेदनशील था कि जब पवित्र आत्मा ने उससे बात करना बंद किया तो उसने भी लिखना बंद कर दिया। उसने उन प्रचारकों की तरह नहीं किया जो अपने लंबे और नीरस उपदेश जारी रखते हैं, क्योंकि वे ये कल्पना करते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है। अगर मानवीय रीति से कहे तो इसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है। ओबद्या ऐसे समय में नबुवत कर रहा था जब यिर्मयाह भी नबुवत कर रहा था, और शायद उसने ये सोचा हो कि उसे एक ईश्वरीय नबी की मौजूदगी में ज्यादा नबुवत नहीं करनी चाहिए जो 30 साल से भी ज्यादा समय से नबुवत कर रहा था। ओबद्या के इस मनोभाव में मुझे एक दीन आत्मा नजर आती है। ये सिर्फ एक विचार है, लेकिन आज एक कलीसियाई सभा में या विश्वासियों की संगति में ऐसा ही होना चाहिए। जो भाई ज्यादा परिपक्व नहीं है, उन्हें अपने से ज्यादा परिपक्व भाइयों को ज्यादा और स्वयं को कम बोलने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन ये एक दुखद बात है कि ओबद्या जैसे नम्र और दीन भाई मिलने अब दुर्लभ हो गया है। एदोम का न्याय और दंड। ओबद्या ने एदोम पर परमेश्वर के न्याय और दंड की नबुवत की। एदोम प्रतीकात्मक रूप में हमारा शरीर है, इसलिए ये नबुवत हमारे शरीर के विनाश होने के बारे में है। यहाँ ये एदोम के गर्व के बारे में है। तुम इसलिए इतने घमंडी हो क्योंकि तुम ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों में रहते हो। तुम गर्व से ये कहते हो, हम तक कौन पहुंच सकता है। अपने आप को धोखा मत दो, चाहे तुम उकाब की तरह ऊंचाई पर उड़ जाओ और तारांगणों के बीच अपने घोंसले बनाओ, लेकिन मैं वहां से भी तुझे भूमि पर गिरा दूंगा। ये प्रभु परमेश्वर की वाणी है। पद 3 और 4। शरीर हमेशा स्वयं को ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा घमंड को चकनाचूर करने के लिए संकल्पबद्ध रहता है। अगर तेरे घर में रात को चोर और डाकू घुस आते तो क्या वे तेरा सब कुछ न ले लेते? तेरा कोना कोना ढूंढा जाएगा और उसमें छुपा धन निकाला जाएगा। पद 5। हमारे लिए इसका अर्थ यही है कि हम में ऐसा हरेक कोना जो शरीर कहलाता है, शरीर की हरेक लालसा पूरी तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा मिटाई जाएगी और उस पर जय पाई जाएगी। एदोम को इसलिए दंड दिया जा रहा था क्योंकि उसने अपने निकट संबंधी इज़राइल के साथ बड़ी हिंसा की थी। उसने इज़राइल की बड़ी जरूरत के समय जब उसे बंधुआ बनाकर ले जाया जा रहा था, तब वह अलग खड़ा तमाशा देखता रहा, और जबकि पराए उसकी संपत्ति लूटकर ले जा रहे थे तब भी वह चुप रहा और उसने उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया था। पद 10 और 11। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था मानो वे भी इज़राइल के शत्रु हो। एदोम ने इज़राइल की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया था। कुछ पाप वे होते हैं जो कुछ करने द्वारा होते हैं, और कुछ पाप वे होते हैं जो कुछ न करने द्वारा होते हैं। अक्सर जब हम पाप के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं पापों के बारे में सोचते हैं जो हमने किए होते हैं। दयालु सामरी की कहानी में देखिए कि याजक और लेवी ने कोई पाप नहीं किया था। उन्होंने उस घायल व्यक्ति को मारा पीटा नहीं था। उनका पाप ये था कि उन्होंने
उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया था। लूका 10वां अध्याय 29-37। क्या हम ये समझते हैं कि एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद न करना पाप करना होता है? ये कुछ न करने का पाप है। एदोम ने वह नहीं किया था जो उसे करना चाहिए था, और परमेश्वर ने इस बात को बहुत गंभीर माना। एदोम का दूसरा पाप ये था कि वे इज़राइल के बंधुआई में जाते समय खुश हो रहे थे। पद 12। जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है जिसे आप पसंद नहीं करते, तब क्या आपको अच्छा लगता है? वह पाप है। हमें किसी के साथ हो रही बुराई में आनंद नहीं मनाना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं था, एदोम ने उन निस्सहाय बचे हुए इज़राइलियों पर हमला किया और उन्हें चौराहों पर मारा था। पद 14। वे इज़राइल के शत्रुओं के साथ मिल गए थे। इज़राइल का पुनर्स्थापन। अंत में परमेश्वर ने इज़राइल के पुनर्स्थापन के बारे में बात की। लगभग सभी नबियों ने पुनर्स्थापन की बात की है। एक दिन यरूशलेम बचे हुए कुछ लोगों के लिए एक शरण स्थान होगा। पद 17। वह एक पवित्र स्थान होगा और इज़राइल अपनी विरासत पाने के लिए वापस आएगा, और उस समय इज़राइल प्रभु के लिए एक आग और ज्वाला बन जाएगा और एसाव का घराना भूसा हो जाएगा। पद 18। उद्धार करने वाले यरूशलेम में आएंगे और एदोम शरीर पर राज करेंगे और प्रभु राज करेगा। पद 21। आज परमेश्वर ने हमें विश्वास से भटके हुए लोगों को मुक्त करने वाले ऐसे लोग होने के लिए बुलाया है जो ये प्रचार करते हैं, देखो तुम्हारा राजा, और उन्हें वापस उसके पास लौट आने के लिए आमंत्रित करते हैं। एदोम के पतन का क्या कारण था? तेरे मन के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। पद 3। जब हम घमंड से भरे होते हैं तो हम अपने आप को आत्मिक धोखा खाने के लिए खोल देते हैं, क्योंकि घमंड हमें धोखा देकर भरवाने वाले शैतान का व्यक्तिगत स्वभाव है। जैसे ही आप किसी बात में घमंड करते हैं, अच्छा रूप, समझदारी, आत्मिकता, बाइबल का ज्ञान, कुछ भी, तब फौरन ही शैतान आपका हाथ पकड़कर ये कहता है, अब मैं और तू एक दूसरे के साथ संगति में आ गए हैं। दूसरी ओर यीशु मसीह पृथ्वी पर चलने वाला सबसे नम्र और दीन व्यक्ति था, और जिस क्षण आप अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, उसी क्षण आप उसके साथ संगति में आ जाते हैं। घमंड व्यभिचार से ज्यादा खतरनाक पाप है, क्योंकि व्यभिचार बाहरी पाप है, और ये स्पष्ट है कि जो पाप बाहरी होते हैं उतने गंभीर नहीं होते जितने भीतर के छुपे हुए पाप होते हैं। जो लोग अपने घमंड के प्रति लापरवाह है, ओबद्या उन्हें चेतावनी देता है कि वे धोखे में हैं। हमें उसके संक्षिप्त उपदेश से ये सीखना चाहिए कि हम अपने आसपास के उन लोगों के प्रति संवेदनशील हो जो उनके शरीर के बंधन में हैं, और ये कि हम उनके बीच में ये ऐलान करने वाले हो सके कि यीशु उन्हें पूरी तरह मुक्त कर सकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ओबद्या द्वारा लिखा गया उसका एक पृष्ठ व्यर्थ नहीं ठहरेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस पुस्तक से हम जान गए हैं कि घमंड एक खतरनाक पाप है। इस चेतावनी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और यीशु मसीह हमें पूरी तरह शरीर की लालसाओं से मुक्त कर सकता है, इस आश्वासन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसमें बने रहने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।